कहो जावे आपके खालिद की गैल जाऊक ससुराल सलक अपने काम में देख ले कदी तो भेजू खालिद की ससुराल खेत में पलेवा करके गेहूं दे बो दे दुनिया के देखे ना तेरे दोई दोई के गेहूं हो रहे थोड़ी बोल लिख रहे समाज में का धोरे उठू बैठू ना मैं भू जाएंगे गेहूं भी अपना ही खेत है अभी पिछले साल के धरे उन्होंने नहीं निबाट लीजो तू पहले हे राम जी मैं कहाँ मर जाऊँ या बुढ़े को या बुढ़ापा आ लिया पर यहाँ का जो ना हंडना ना रुक रो अरे तो भाई दिल तो अभी बच्चा है जी दिल कहाँ बच्चा है जी अभी तक तू ही दूर से देखने में बच्चा लगे पातन ने बना रहा हूँ मैं सामने बैठ के अब सुन ला न्यूकू तलवा चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है तलवा चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है और जलने वाले जलते रहो चाहने वाले हमारे साथ हैं ए चाचा देख लो नीति कर एक रो यार अभी तो तैयार ना हुए हो तुम्हें मैं कितनी देर का तैयार होके घूम रहा हूँ यार बस तैयार तो होगा मेरे यार पर यू क्या है क्या तुम जानते ना हो चाचा देख लो फिर ईमान सा बच्चों वाली बात करे करो स्कूटर ना आए दिख ना रहा तुम्हें हम अब दिख रहा हूँ स्कूटर है पर यहाँ को करे को कहा काहे को लिए डोला है ए ससुराल को ले जा रहा हूँ रुखसाना को बिठा के ना लाना वहाँ से और फिर मैं कैसे आऊंगा तो भाई देख लो चाचा तुम कितनी नादानी वाली बातें करते हो यार तुम हमारे घर के आदमी ना हो यार उधर से तुम बस में बैठे ही हो यार अच्छा एक काम कर मैं ना जा रहा टाल मार देख रहे हो चाचा फिर तुम जो नाराज हो जाते हो जरा जरा ऐसी बात पे फिर काहे पे चलोगे इस पे ना चलोगे तो ये तो बतलाओ अरे मेरी सवारी हैगी ना वहां चलेंगे तेल गिरवा दीजिए बस तेल डलवा देंगे चाचा कोई परेशानी ना तेल डलवा देंगे अपनी ले चलो तुम यार ईमान से मैं तो पूरी तैयारी से आया अब मुझे तुम इतना बतलाओ ये सही लग रहा है अपने टोपे को ले लूं नया टोपा पूरा धड़ो धड़ो हो रहा ऊपर से नीचे तक टोपा फेर ना ठीक है चाचा जरा चाचा ये खुशबू सी दे दो मैं नहाया ना हूँ ईमान से ज्यादा पड़ रहा मन की क्या नहावे ऐसे ही अपना इससे कर लूंगा चाचा सेला सेला सा लग रहा चाचा ये तो भीतरे से अरे बस निमठा को सारे रुक गया थोड़ा सा चाचा खत्म कर दिया सारा जरा सा और दे दो चाचा ईमान से ये वाली बगल रहेगी इधर कर दिया खत्म चलो चाचा जल्दी बहन ईमान से जल्दी कर लो आ जाओ अब भाई तू तो चल दिया दूल्हे बन के और यहाँ देखियो कहाँ हो रहा था या कोटा सार दे जब चलूंगा मैं तो चाचा मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी ना लगती है बस ईमान से जैसे ही चलने को होगा नई बात फंसा दो तुमसे अच्छा देखना जाऊं मैं है ना कुर्ता ना सिलवाया जा रहा ये लो अब तो चलोगे आओ जल्दी से यार देख ला आजकल के बाल खतने हवा बनी रहे का सही खाली रोक एक मिनट हाँ बतलाओ क्या अरे मैं न्यू कह रहा हूँ तुम बाजार की ओर कर होते चलते थे किस लियो अरे मैं बहुत दिन में जा रहा हूँ तेरे ससुराल थोड़े सेब पेव ले चलता था भाई चाचा तुम जानते ही ना हो कुछ बच्चों वाली बात करो देख लो तुम जानते ना उस बुड्ढे को से वो खा जाएगा एक पैसा तो देगा ही ना अरे मैं न्यू कह रहा हूँ तेरी सासू कभी न्यू कह लगे घने दिन में आया हो कुछ लेके ना आया खाली हाथ ना जाए करते हैं चाचा 100 रुपए किलो हो रहे हैं सेव मेरे बस की तो है ना तुम पे पड़े हैं 10-20 रुपए बातों को बना रहे हो 40 रुपए कुल्ले मेरे जेब में इसमें तेल फुकवा लिया तुमने अब नू का सेव ले चल 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 चाचा देखो अम्मी खड़ी है नहा पे मैं जाकर पहले अम्मी से मांगूंगा माफी क्योंकि देखो उसी दिनों से शर्मिंदगी से भरा पड़ा हूँ चाचा मैं है ना ठीक है होया तुम एक काम करो चाचा वहां पे खाट पड़ी है वहां बैठो है ना मैं इतना होकर आता हूँ अम्मी के पास अम्मी अम्मी जरा एक मिनट का टाइम दो मुझे ना बैठो तुम एक मिनट जरा अम्मी इत्मीनान से बैठ के मेरी जो है बात सुन लो तुम देखो अम्मी उस दिन जो मुझसे हुआ वो सारा जो है गलतफहमी की वजह से हुआ
मेरा तुम्हें छेड़ने का जरा सा भी जो है मन नहीं था, पर अम्मी जो वो रुखसाना समझ रहा मैं तुम्हें, इसलिए होगा। समझ रही हो तुम बात को? ओ खालिद, गलत नंबर डायल कर रहा तू। चाचा देखो तुम जो चुप लगा जाओ, हमारा आपसी मसला चल रहा, बात कर लंदो जरा यार। अब सुलझा लीजिए तो भैया अपने घरेलू हिंसा। आ जाओ जी चौधरी बैठो। और ठीक हो जी? ठीक है। तो हम भी, मैं देखो ये कह रहा था, तुम हमेशा जो मुझे गलत मानती आई हो, रुखसाना तुम्हें ऐसा लगता हो गलती ना करती है, और मैं तुम्हें बतलाऊं, एक नंबर की जाहिर है रुखसाना। एक दिनों तो तुम्हारे लिए गालियां ही काल ली। हे अम्मी, क्या परेशानी बन गई, किस बात पर नाराज हो गई तुम? तेरी यो इतना गंदी आदत अच्छी ना लगती है मुझको। है रुखसाना, भाई तो कितनी गवार जनानी है, बतला ना सकी तू रुखसाना। मैं तो अम्मी समझ के कही जा रहा तुझसे। देख रही तू कितना जहरीला। बेटा रुखसाना, क्या बात हो गई? ए रुखसाना, देख ले मान से बचा ले आज बुड्ढे से, तुझे शाहरुख की कसम है, देख ले। ए कुछ ना अब्बा, गलती मानना, अपनी बहुत शर्मिंदा है। अब्बा सलाम। अब्बा देखो, शर्मिंदगी का आलम तो ये है, मेरा अल्फाज नहीं कर ला। चल तो आ जा इधर को बैठेंगे। देखो सराफत जी, तुम बहुत शरीफ आदमी लग रहे हो, इन बालकन ने समझाया कि तुम ही फैसला करो कुछ। श्याम लाल जी, मैं तो शरीफ हूँ, ये तो शरीफ ना है। ना 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 ना, मन को तो साफ है यू, पर कभी कभी मुंह में तो लिकड़ जाए आके। देखिए अब्बू, इतनी बात तो मैं जानता हूँ, इस बार जो है तुम मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके रुखसाना को मेरे साथ भेज दो। देखो चाचा मेरे गारंटर बैठे हैं, मैं लाया इसलिए अपने साथ, जिंदगी में जो है ना अब्बू शिकायत ना मिलने की तुम्हें दोबारा। अबे तेरा विश्वास ना है मुझे कल तक का भी। अच्छा चौधरी, तुम भी तो कहो कुछ कुछ। लगता है चौधरी आप भी टिकटॉक चलाती थी हैं? मैं तो सिलाई मशीन चलाती हूँ। खालिद मियां, तुम्हारी अम्मी तो हाथ की दस्तकार है। चाचा तुम यहाँ रुखसाना की विदाई करवाने आए हो या अम्मी की? अरे मैं तो हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ। है तो अम्मी के हाल चाल पूछो, का बाकी तो पूछो, वरना नाराज हो जाएंगे यार। और सराफत मियाँ ठीक हो? श्याम लाल जी हम तो ठीक है, आप सुनाओ। बस जी हमारी भी कट ही रही है जिंदगी। हे चाचा तुम्हारी तो कट रही है, हमारी भी तो कटवाओ ईमान से, कहते क्यों ना रुखसाना के लिए, इधर उधर की बातों को मिला रहे हो यार। बेटा रुखसाना, गुस्सा थूक दो और चलो अपने घर को। चाचा मैं चलता दूंगी घर को, पर इसको भी तो कुछ कहो, कुछ काम धंधा ना करता, घर में ही पड़ा रहे। करेगा बेटा करेगा, ढूंढ रहा ही काम धंधा। चाचा देखो, काम की तलाश की तो ये वाली बात है, काम में तो मैं बरबर लग रहा है रुखसाना, जब ना जाग रहा है, मिली ना रहा काम, तो मैं क्या करूं। सबसे बड़ी परेशानी चाचा ये वाली बन नहीं है, मुझे शाहरुख संभालना पड़ता, ये चली चलेगी तो शाहरुख को संभाल लेगी, मैं अपना काम तलाश कर लूंगा। बतलाओ अम्मी अब क्या करना। चली जा बेटा, देख ले। लाओ तो अम्मी लाओ, विदाई विदाई दो, चलते हैं हम अपना, है ना। चलो दे दो विदा। बच्चा जब देख लिया तुमने, इकलगा चुप पिकलगा ना इकलगा, मुझे तो पता है कितना बड्डा कंजूस है, नुका सेब ले चली नौ के लियो, सेब खा जाता डकार भी ना मारता है बुड्ढा, पैसे दे रहा है। अम्मी तुम एक काम करो, झोला ला दो मुझे ईमान से, मैं अपने आप ही ले लूंगा विदाई। तो क्या करे झोले का? देख रहे चाचा कितने सवाल करे हमारी अम्मी। ए तुम झोले ला कर दो, मैं अपने आप कर लूंगा मुझे जो करना। किस करे खालिद, पिटवाओ हमें भी। मैं देख लो चाचा, तुम टोका टोकी बहुत करते हो, तुम्हें पता ही ना अनहा का सिस्टम, मैं जानू ना कैसे कंट्रोल में करे जाएंगे ये, ऐसे विदाई ना मिलेगी। हाँ इससे पूर्ति करता हूँ मैं, हर बार राशन ले जाता हूँ भर के, सुबह के लिए सही रहेंगे। नया मोक उधर है चाचा, फ्री में ही समझ रहे हो, आधे पैसे लेऊंगा ईमान से इसके। चाय पत्तियां ये चाचा काम चलेगा महीने भर का ईमान से ना। ये शाहरुख के लिए हो चाचा, दाल से कहता रहे अब दाल से लिए हो। तमाकू ले लेते
तमाकू हुक्का को बता तो रहा हूँ चाचा, बुड्ढा भीतर दुबका के रखे ऐसे मसलों को जो महंगा आइटम होता ना बने की बात रहने दो, झाकने से कोई बनेगा ही ना मसला, इसको रहने दो, मैं अपने आप से मार लूंगा। ईमान से हटो यार, क्या कर रहे हो? मम्मी घर चल के काम धंधा में यार यहाँ कहाँ बैठ रहे हो चाचा? रुखसाना बैठे गए तुम यहाँ हो ना आ गए? हे ईमान से समझदारी से काम ना लेते हो यार, सामान को बीच में को ले लो इसको भाई, सिर पहना धरा जा रहा है, यहाँ धर लो इसको कंधे पे, धर लो कंधे पे भाई, यहाँ पकड़ लो इसको। बैठ रुखसाना जल्दी से, शाहरुख रो रहा होएगा, रो नहीं ना खत्म हो रहा तेरा, जैसे पहली बार जा रही हो तू। अच्छा अम्मी सलाम करते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीडियो खत्म हो गई है पर थोड़ी सी एक मेरी छोटी सी बात सुन लो बस। देखो जी, जो मेरा अमन भाटी चैनल है वहाँ पर थोड़ी सी समस्या चल रही है, यूट्यूब की तरफ से कुछ वहाँ की गाइडलाइन मुझसे फॉलो न हुई, गलती से कुछ मिस्टेक लग गई होंगी, तो अभी चल रहा रिव्यू में। 26 तारीख तक उस चैनल पर प्रॉब्लम है, शायद 26 के बाद आपका प्यार और दुआएं रही तो चैनल शायद सही हो जाएगा। और वैसा चल रहा चैनल, खूब वीडियो देखो और खूब इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वीडियो भी जल्दी आएगी उस पर, 10 तारीख के बाद आ जाएगी, मतलब अगले संडे तक कोशिश है मेरी, शूट चल रहा हुआ कभी। बाकी यह चैनल पर भी रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको और मज़ेदार वीडियो मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि यह चैनल वाली वीडियो आप मिल जाएगी वह चैनल वाली आप मिल जाएगी, दोनों पर अलग अलग वीडियो रहेंगी, दोनों पर अलग अलग मज़ा आएगा। तो भाई इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ, और मुझे संस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ भी कॉमेडी की छोटी छोटी डोज में देता रहूँ, तो अपना प्यार जरूर बना कर रखो जी। नमस्ते जी।